हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आनंदलाल मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीस मोबाइल जो कि कीपैड मोबाइल है उसको टियर डाउन करने के बारे में। तो आइए इस फ़ोन को हम टियर डाउन करेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये फ़ोन बिल्कुल ऑन है इस टाइम पे और इसके चारों साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये फ़ोन है कीपैड मोबाइल और ऊपर से भी देख लेते हैं इस फ़ोन को। आइए इस फ़ोन को हम टियर डाउन करेंगे। तो इसमें नीचे आपको दिख जाएगा बैटरी कवर के लिए एक लॉक बना हुआ है जिसमें हम फिंगर लगा के इसे बैटरी कवर को निकाल सकते हैं। ये इसका बैटरी कवर है। फिर इसकी बैटरी आप देख सकते हैं, इसकी बैटरी को मैं निकाल देता हूँ। इस तरीके से इसकी बैटरी निकल जाएगी और ये पीस की ओरिजिनल बैटरी है। फिर हमें इसके बाद इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ होते हैं, उन स्क्रू को रिमूव करना पड़ेगा और उन स्क्रू को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो आइए मैं इसके स्क्रू को ओपन करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इन फ़ोन के सारे स्क्रू को ओपन करके अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से खोल सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से स्क्रू खोलने हैं और इसको स्क्रू खोल के साइड में रखना है। ध्यान रहे एक भी स्क्रू मिसिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। तो आइए ओपन करते हैं, स्क्रू को हम नीचे रखते हैं और ये इस तरीके से आपको किसी स्पलगर टूल या फिर फिंगर की हेल्प से आपको चारों साइड से इसको ओपन करना है सारे स्क्रू खोलने के बाद। और इसके बाद आप आराम से इसको आराम से खोल पाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। ये आपको चारों साइड से फिंगर लगा के इसको ओपन करना है और जब इसके डिस्प्ले पोर्शन इसका ओपन हो जाएगा तो उसके बाद इसे आराम से आप इस मोबाइल को खोल पाएंगे। इस तरीके से मैं डिस्प्ले का पोर्शन निकालता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं इसका ये फ्रंट बॉडी है इसकी, इसको हम साइड रख देते हैं अभी। और इसमें ये इसकी कीज़ हैं, जितनी भी इसकी की होती हैं वो सब चीज़ें। साथ ही साथ इसके पीछे डॉम सीट्स हैं इसकी, ये डॉम सीट्स होती हैं इसके नीचे, डॉम सीट दिख रही होगी आपको। ऊपर स्पीकर है, रियर कैमरा है, ये देखिए मैं आपको अच्छे दिखाता हूँ। ये स्पीकर है, ये रियर कैमरा है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले है। और इस तरीके से आपके सारे कंपोनेंट दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। इसकी डॉम सीट्स हैं जहाँ पे सारी की होती हैं इसकी। आइए इसके मेन बोर्ड को बाहर निकालते हैं और मेन बोर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए हमें मेन बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। मेन बोर्ड निकालने के लिए आपको किसी भी टूल की हेल्प से नीचे इसे पुश करना है ताकि इसका मेन बोर्ड बाहर आ सके। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले इसका बाहर आ चुका है और मेन बोर्ड पुश करके मेन बोर्ड को भी हमने बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ उसके पीछे से। आप मेन बोर्ड देख सकते हैं, इसका मेन बोर्ड ये है और इसके अंदर दोनों सिम ट्रे, एमएमसी ट्रे, हेडफोन जैक, चार्जिंग जैक सब कुछ है इसके अंदर। ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये जहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होते हैं बेसिकली, सिम ट्रे, एमएमसी ट्रे, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर। यहाँ पे कुछ आईसियाँ होती है जो नेटवर्क और सीपीयू आईसी होती है इसके अंदर। और फ्रंट व्यू में आप देखेंगे तो डिस्प्ले, और ये देखिए पीछे डिस्प्ले का कनेक्टर है यहाँ पे और रियर कैमरा का कनेक्टर है यहाँ पे। तो इसको अगर हम सोल्ड करते हैं तो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले वर्क करेगी। और डिस्प्ले ख़राब भी होती है तो हमें इसे सोल्ड करना चाहिए। और पीछे सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।